वेलकम स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और इसमें हम देख रहे थे रवि ने पूरी तरीके से वो जो कैट है उसके डिसेंडेंट जो है उसके बारे में पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया था और हिस्टोरिकली डिस्क्राइब किया था। इसके बाद हम अगले पेज से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से देखो, हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, मतलब अपने आवाज़ को सुनना वो कितना पसंद करता है। ये मीना और मृदु ये बोलते हुए लुक एक्सचेंज करती है। व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। मृदु कह रही है कि ये जो तुम डिस्क्राइब कर रहे हो कैट के डिसेंडेंट के बारे में, तुमने पल्लव किंग की बात की, तुमने इजिप्ट की बात की, तो इसका इन सब से क्या लेना देना है। हाँ, आई एम टेलिंग यू द कैट इज अ डिसेंडेंट फ्रॉम इजिप्शियन कैट गॉड नो गॉडेस बैस्टेड या दैट्स इट। मतलब रवि बोल रहा है कि उसे सिर्फ ये बोलना था कि वो जो इजिप्शियन कैट गॉड है बैस्टेड, तो ये उसका डिसेंडेंट है, यही बोलने की कोशिश कर रहा था। वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ द कैट गॉडेसेस वाज अ स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लारिस्ट स्ट्रिक महेंद्रन एमपी पुनाई हेयर हु श्रिक्ड वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ। मतलब पल्लव किंग जो थे, तो पल्लव किंग के समय पे उनके जो शिप से जहाज थे वो दूर यूरोप अफ्रीका में जाते थे बिजनेस के लिए, तो साउथ ईस्ट एशिया में भी गए हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से जो इजिप्ट से जब उसकी शिप गई तो कोई कैट वहाँ से छुप गया और छुपने के बाद वहाँ से फिर जो हम डिसेंडेंट कहेंगे वहाँ से ये ऋषि कैट आया। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉस ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेलियन के नारियल का जो माला है, नारियल के माले पे वो अपने जो क्लॉज है उसको शार्प कर रहा था। बट वर्स देन रवीज ऑफुल हूप ईक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो, वॉट अ वियर्ड साउंड। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड एम पी पुनाई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। उस समय एक क्रीच सा साउंड होता है, एक अद्भुत सा साउंड, जिससे क्या होता है मृदु बहुत चौंक जाती है और जो एम पी पुनाई है यानी कि जो कैट है वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ इट्स स्वीट्स हेयर स्टैंडिंग अप ऑन द एड, उसके जो लोम है वो खड़े हो जाते हैं यानी बाउंस्ड अप, और फिर वो उछल के वहाँ से भागता है एंड स्करी टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राइवर। कुछ चिलीज थे जो हम उसे मिर्च कहते हैं, वो सुखाने के लिए दिया गया था और वहाँ पर जाके वो अपने को छुपाने की कोशिश करता है। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, कुछ चिलीज जो है वो अपने ऊपर डाल लेता है। मियाओ ही हाउल्ड मिजरेबली, और फिर वहाँ से मियाओ ये साउंड करता है। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु। क्रीचिंग चलता ही रहता है, तब उस समय मृदु पूछता है कि ये आवाज़ कौन सा आवाज़ है। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रांटेड रवि, उस समय रवि बोलता है कि ये लल्ली है जो वायलिन बजाना सीख रही है। उस समय शी विल नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन व्हाइल लल्ली इज ऑल द टाइम डिरेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। मतलब उसके जो टीचर है वो बहुत अच्छे बजा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देने के लिए वो ये बता रहे हैं कि जो टीचर का ट्रेन है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है लेकिन लल्ली का ट्रेन बार बार पटरी से उतर जा रहा है, ये एग्जाम्पल दिया है। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, लल्ली वॉज सिटिंग लिटिल डिस्टेंस अवे ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायोलिन एंड बोस्ट्रिंग। तो मृदु क्या करती है, विंडो से देखती है, झाँक कर। लल्ली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, वो देखती है कि लल्ली थोड़ी सी डिस्टेंस दूर वो बैठी हुई है। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायोलिन एंड बोस्ट्रिंग, वायोलिन और वायोलिन को बजाने के लिए एक स्ट्रिंग सा तार सा होता है तो वो बोस्ट्रिंग कहते हैं हम, तो उस बोस्ट्रिंग को पकड़ कर हर एल्बोज just elbows shooting out and her eyes glazed with concentration in front of her with the most of his back to the window
वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक टीचर. म्यूजिक टीचर का जो फिगर वो दिखाया जा सकता है, मतलब विंडो के उसका जो बैक साइड है वो विंडो, उसका बैक साइड विंडो की तरफ है. तो ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड, सर पे कोई बाल नहीं है उनका, विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड ओल्ड फैशन टफ्ट. मतलब क्या होता है कि जो जो हेयर है उसके कान से कुछ हेयर है और ओल्ड फैशन टफ, एक पुराने फैशन का टफ्ट है. अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट गिल्डेड अप एंड डाउन द स्टर्न ऑफ वायलिन एज लार्ज फुट स्ट्रक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज. तो इसका मतलब है कि उसका उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ पर, और ये डिस्क्रिप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन है जिसमें डिस्क्राइब किया गया है कि जो सिखाने आए हैं म्यूज़िक टीचर वो कैसे दिखते हैं. और डायमंड रिंग है उनके हाथ में, जब वो वायलिन बजा रहे हैं तो वो चमक रहा है. अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर वेस्टी एज ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद हिज स्क्रॉनी बिग टो. तो उसका वो भी स्क्रॉनी है. आप शायद आपको याद आ रहा होगा ये जो चप्पल है वहाँ पर भी ठीक ऐसा ही डिस्क्रिप्शन था. मतलब मधु ने घर से घुसने से पहले जो चप्पल देखा था वो यही चप्पल था. ही प्लेड अ फ्यू नोट्स लल्ली स्टम्बल बिहाइंड ऑन आर वायलिन विच लुक लाइक क्वाइट हेल्पलेस. कुछ नोट्स बजाते हैं वो टीचर और लल्ली यहाँ पर बहुत हेल्पलेस फील करती है. विच लुक क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स. What a difference! The music teacher notes seemed to float up and settle perfectly on the invisible tracks of the melody. It was like wheels of train fitting smoothly into the rails, whizzing along. As Ravi said, Midhu stared at the huge, beringed hand, moved effortlessly up the violin stem, making lovely music. So, वो देख रहे हैं कि जो master है वो कितने skilled है और कितने अच्छी तरीके से वो एक से ट्रेन की तरह, जैसे लग रहा है पटरी पर ट्रेन दौड़ रही है, इतनी स्मूथली वो म्यूजिक को बजा रहे हैं. स्क्वैक देर वॉज लल्ली डिरेलिंग अगेन. फिर से लल्ली ने गलती किया. अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा ओ उस समय गेट के बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है. तब उसके मदर कहते हैं, रवि की मदर वरंदा से कहते हैं, रवि सेंड द बेगर अवे. मतलब कोई बेगर आया हुआ होता है उस समय और रवि को वो बोलते हैं कि रवि उस बेगर को जाने के लिए बोलो यहाँ पर. वेयर शी वॉज चैटिंग विद टैपी. चैट कर रहे थे टैपी के साथ. ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक. पिछले वीक से वो यहाँ पर हर दिन आ रहा है. मतलब टैपी के साथ बात कर रही थी कौन, रवि की माँ. और रवि की माँ ये बात करते थे, कह रही है कि ये वो जो बेगर है वो हर दिन आ रही है पिछले सप्ताह से. एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेक फ्रॉम. और अब समय हो चुका है कि अब उन्हें दूसरा कोई घर देखना चाहिए भीख मांगने के लिए. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. द बेगर वॉज ऑलरेडी द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. तो मृदु और मीना रवि को फॉलो करता है और बेगर तब तक गार्डन में आके अपने आप को घर की तरह आराम से वहाँ पर वो बिता रहा था. ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट हिज ट्रंक एंड अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज़ व्हाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर. गो अवे सेड रवि स्टर्नली. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बिगर है वो ऑलरेडी वहाँ पर रेस्ट लेने की पोज पे आ गया था. वो अपने आप को जो पेड़ का ट्रंक होता है वहाँ पर अपने आप को झुका कर वहाँ पर सोने के लिए तैयारी कर रहा था. तो रवि बोलता है गो अवे स्टर्नली. वो एकदम कठोर होकर बोलता है कि यहाँ से चले जाओ. माई पति सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेक फ्रॉम. अब तुम्हें मेरे पति ये कह रही है कि आपको अब दूसरा घर भीख मांगने के लिए देखना चाहिए. द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रेन वन बाई वन. अब वो बेगर अपना आँख खोलता है और जो बच्चे हैं उनको देखता रहता है. द लेडीज ऑफ द हाउस ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक विद फीलिंग अ वेरी काइंड सोल्स आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक.
आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। तो वो जो बेगर है वो ये बोलता है कि इस घर के जो महिलाएं हैं बहुत अच्छे हैं, उनके वजह से ही पिछले एक सप्ताह से मैं अपने सोल और बॉडी को एक कर पाया, मतलब मैं जिंदा हूँ। सोल और बॉडी कब अलग हो जाती है? जब मौत हो जाती है। तो उनके जेनरसिटी की वजह से, उनके दया की वजह से मैं इस सारा वीक तक मैं जिंदा रहा। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि वो लोग मुझे यहाँ से बाहर कर रहे हैं। अम्मा ही सैड इस वेल माइट बी बट सडनली इट वॉज नॉट फीवर। इट बिगैन इन अ डीप एंड स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन अ विदर्ड बेली एंड केम बूमिंग आउट ऑफ इस माउथ एंड इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विद बिटर च्यूइंग। मतलब अब जो बेगर है उनको देखा जा सकता है, उनके जो बीटल च्यूइंग टीथ है, मतलब पान खाते हुए दांत, उसको भी देखा जा सकता है। रवि टेल हिम दैट देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, किचन में कुछ है नहीं। कॉल्ड रवि को बोल रहा है रुकुमानी के, तुम उनको बोल दो कि किचन में कुछ नहीं है। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट ही साउंडेड फेड अप। मतलब उन्हें बोल दो कि फिर से वो ना आए, ये उनको बता दो। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर व्हाट हिज मदर सेड हैड बीन इजी फॉर देम टू हियर। देयर अंडर द नीम ट्री द बेगर सेट अप एंड साइड। तो बेगर जो है वो बैठते हैं और सांस लेते हैं। आई विल गो वो बताता है कि रवि, मतलब वहाँ से रुकुमनी इतने ज़ोर से बोले कि रवि को उसको रिपीट नहीं करना पड़ता। तो उसकी जो मदर है सेड हैड बीन वेरी इजी फॉर देम ऑल टू हेयर एंड देयर अंडर द नीम ट्री द बेगर सेट अप एंड साइड। और वहाँ पर नीम ट्री के अंदर में बेगर बैठता है और लंबी से सांस लेता है। आई विल गो ही सेड वेरीली ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट अंडर दिस ट्री। मैं चला जाऊँगा लेकिन मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेने दो इस पेड़ के नीचे। द सन इज सो हॉट द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड माई फीट आर ऑलरेडी blistered, he stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. मतलब उसके पैर में छाले पड़ चुके होते हैं, तो वो बताता है कि मैं थोड़ा सा यहाँ से रेस्ट लूँगा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही बच्चों।